हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं हल्द्वानी ख्वाजा फर्नीचर। हल्द्वानी ख्वाजा फर्नीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी वो मॉडुलर किचन के ऊपर है। ये हमने मॉडुलर किचन बन गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। और इसके अंदर हमने क्या क्या आइटम बना रखा है और क्या किस तरीके से बना रखी है वो पूरी बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, जैसे सनमाया कलर है, हम सनमाया कलर पसंद कराने में कुछ मदद करते हैं सामने कस्टमर की। और प्रोफाइल में हम कुछ मदद करते हैं। इसमें प्रोफाइल में तीन कलर आते हैं, एक तो गोल्डन और सिल्वर, वो इसके बाद ब्राउन कलर आता है। और हमने इसके किचन के अंदर क्या क्या डाल रखा है हम सब दिखाने वाले हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ये प्लान बास्केट हो गई, इसके नीचे आटा और चावल रख सकते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक प्लान बास्केट यहाँ पे डाल रखी है, बहुत ही शानदार। इसके अंदर कप प्लेट कटोरी वगैरह होंगी। इसके अंदर भी जिससे बड़ा आइटम हो सकता है कुकर कढ़ाई। और इसके नीचे भी हमने बड़े आइटम के लिए डाल रखा है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर ही बड़ा आइटम आ गया, कुकर हो गया, कढ़ाई हो गई, चम्मच, बहुत सारे आइटम होते हैं किचन में। और इसके बाद जो है कप सोसर, जैसे गेलन 5 लीटर की, 2 लीटर की, और बोतल, इसको बोतल प्लाट बोलते हैं, बोतल की बोला बोतल प्लाट हो गया। और उसके बाद कटलरी यहाँ पे हमने डाल रखी है। मैं एक बार से दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देखते हैं ऊपर कटलरी हो गई, नीचे कप सोसर हो गया। इसके बाद जो है प्लेन बास्केट डाल रखी है और बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये बना रखी है कम जगह में और अच्छे से किचन बना रखी है। और इसके बाद जो है दोस्तों सिलेंडर का पल्ला है, यहाँ पे सिलेंडर है मतलब आएगा आपको। और इसके बाद जो है कॉर्नर का पल्ला है, मैं आपको एक बार ये वाला खोल के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कॉर्नर का पल्ला है, हमने यहाँ पे कारसोल लगाया था वो निकलवा दिया। इसके बाद जो है हमने हमसे एक सेल्फ लगवा रखा उन्होंने। और इसके बाद यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे सिंक है, सिंक के पास में हमने एक थाली बास्केट है, एक प्लेट बास्केट है, दोनों थाली और प्लेट बास्केट डाल रखी है। उसके बाद यहाँ पे सिंक का पल्ला है, जो सिंक है उसके नीचे हमने दो पल्ला बना रखे हैं। और इसके बाद जो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कूड़े की या सूखे कूड़े की छंटियाँ हम रख सकते हैं यहाँ पे, डस्टबिन। और इसके बाद हमने आपको ऊपर दिखाता हूँ, जो हमने ऊपर डिब्बे बना रखे हैं वो भी आपको मैं चेक कराऊंगा। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे, ये सिंक के नीचे ऊपर जीटी पीटी है, जिससे हमने गीले बर्तन धोए। और इसके बाद यहाँ इसको ऊपर रखेंगे तो जितना पानी है वो नीचे पहुँचेगा। और देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से बना रखी है हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे। और इधर यहाँ पे शीशे के पल्ले हैं चार, एक को मैं खोल के दिखा देता हूँ। सब खोलना कोई मुनासिब बात नहीं है, देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने शीशे के पल्ले बना रखे हैं, चार पल्ले हैं। और इसके बाद जो है चिमली दोस्तों हमने कवर कर रखी है पूरी चिमली, मैं एक बार खोल के दिखा रहा हूँ। ये भी देख सकते हैं यहाँ पे चिमली है, पूरी कवर कर रखी है और बहुत ही शानदार तरीके से बना रखी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।